strings louder. सो हेलो गाइस, स्वागत है मेरे न्यू वीडियो पे और सबको नमस्ते, जय जगन्नाथ। और हाँ, तो क्या चाहिए आप लोग को? हिप हॉप बंडल। तो भाई वेट करो, हिप हॉप बंडल भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अगर वीडियो देखोगे तो बहुत कुछ मिलेगा भाई, बहुत कुछ रिडीम कोड देने वाला हूँ, बहुत कुछ देने वाला हूँ। तो ध्यान से वीडियो देखना और कानों में ईयरफोन घुसा के देखना, क्योंकि वीडियो में बहुत मीम होने वाला है, बहुत ही गंदा वीडियो होने वाला है। तो ध्यान से सुनना, ठीक है? तो लास्ट तक देखना, कोड मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। क्या कोड मिलेगा क्या नहीं, पूरा आखिर तक देखना, ठीक है? वीडियो को पूरा देखना। तो गाइस, मैं ये बोलने वाला हूँ, मेरे को कम से कम 4 दिन पहले एक बंदे ने मेरे को मैसेज किया, उसका नाम शायद प्रतीक है। और मैसेज करने के बाद, मतलब प्रतीक की, बस प्रतीक की बात नहीं है यहाँ पे, बस प्रतीक की बात नहीं है, सारे के कम से कम बहुत सारे बंदे के काम है, मतलब बहुत सारे बंदे की रिक्वेस्ट भी है और मुझे बहुत बुरा भी लगता है ये उनके साथ होता है, ठीक है? तो गाइज, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये आप लोग प्लीज़ दूर हो जाइए, इस चीज़ों से दूर हो जाइए। और मेरे को बहुत ही बुरा भी लग रहा है कि हम जैसे यूट्यूबर को इतने कम सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे चूतिए जैसे यूट्यूबर को, स्कैमर जैसे यूट्यूबर को, वहाँ पे मतलब 1-2 लाख सब्सक्राइबर उनके पास है, लेकिन हम यहाँ पे बस क्या ही बोलूँ, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, ठीक है? तो आप लोग की मर्जी है, आप लोग जिसको सपोर्ट कर रहे हो बहुत ही बढ़िया कर रहे हो, आप लोग का नज़रिया, आप लोग का मतलब कोई क्या ही बोलूँ मैं आपको, ठीक है? तो यहाँ पे मैं सारे के सारे प्रूफ के साथ और पूरा लाइव प्रूफ के साथ मैं दिखाने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो को देखना, ठीक है? और मैं बोलना चाहूँगा, जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं को सब्सक्राइब ठोक दो, लाइक भी ठोक दो, और जितना हो सके ये वीडियो को शेयर करो, रुकना नहीं है, ये वीडियो को शेयर करते ही रहना है भाई, मैं ये बोलता हूँ। क्योंकि अगर शेयर करोगे तुम्हारी नहीं, बहुत सारी लोगों की आईडी बच जाएगी और शायद ही तुम भी सेफ रहोगे और बाकी सब भी सेफ रहेंगे। तो ये वीडियो डाल लेना अपने स्टेटस पे और स्टोरी पे, जहाँ पे भी डालना है डाल दो, अंदर डाल दो, जो भी करो, ठीक है? मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, बस डाल देना, ठीक है? तो देखो, सुनो भाई लोग, तो हाँ, मैं बोल रहा था प्रतीक नाम का एक बंदा मेरे को मैसेज किया कि काली भाई, मेरा आईडी स्कैम हो चुका है और प्लीज़ मेरे को हेल्प कीजिए। मैंने बोला भाई, मैं देखो, मैं यहाँ पे स्कैम फेम हो गया, मैं आपको बोल चुका हूँ, बहुत पहले बोल चुका हूँ कि भाई ये मत करो, वो मत करो, आईडी बहुत स्कैम हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग इसे दूर हो जाए। उसके बाद भी अगर मेरे को बोलोगे भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो बोला कि भाई नहीं भाई, ये मेरे साथ बड़ा यूट्यूबर ने मेरे को स्कैम किया है, बड़ा यूट्यूबर भी ऐसे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मैंने बोला कौन यूट्यूबर कौन किया भाई? पता नहीं, उस यूट्यूबर का नाम है MI गेमिंग, जो रिडीम कोड देता है, मतलब हिप हॉप बंडल का रिडीम कोड, जोकर बंडल का, सारे बंडल का रिडीम कोड देता है। मेरे को लगता है तो भाई वो ही भगवान है इस दुनिया में। वो MI गेमिंग का नाम अगर सर्च कर लोगे, MI गेमिंग उसका नाम है, कम से कम 1.5 लाख सब्सक्राइबर उसके पास है, वो रिडीम कोड दे रहा है भाई, वाह भाई, हम तो मतलब क्या ही बोल भाई, वो रिडीम कोड दे रहा है, मतलब हिप हॉप बंडल का रिडीम कोड दे रहा है। तो गाइस, यहाँ पे देखो प्रूफ के साथ क्या क्या दे रहा हूँ, और वीडियो को देखना और ये देखो प्रूफ क्या क्या है, ठीक है? तो सीन ये है, तो प्रतीक ने उसको भरोसा करके उसको आईडी दे दिया और उस यूट्यूबर ने, चूती यूट्यूबर ने इसका आईडी स्कैम कर लिया, ठीक है? तो स्कैम करने के बाद इस बंदे ने मेरे को सारे के सारे प्रूफ भेजे, और प्रूफ क्या क्या है ये देखते रहो। मेरे पास वॉइस रिकॉर्ड भी है और स्क्रीन रिकॉर्ड भी, सब कुछ भी है, तो वो क्या क्या बोल रहा है क्या क्या नहीं, तो ध्यान से सुनना, ठीक है? तो ये देखो पहला प्रूफ। तो बोल रहा था ना, तो जाके करेगा केस, जो कर लेना जो करना। फोन इतना मत बोल, यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा तेरे चैनल के साथ, 100 बंदे जाके रिपोर्ट मारेंगे तब पता चलेगा। चल ठीक है, मार रहे थे ना, छोड़ के जा रहे हूं। साला कितना बंदा का हैक किया है आईडी? किसी का नहीं किया मैंने। सच बोल साला, कितना बड़ा साला फाड़ है तेरे को, हिप हॉप बंडल का मतलब रिदिम कोड कौन देता है? अभी गरेना का बाप है तू साला? हां, तू गरेना का बाप है, उछड़ गए। हां, तुझे चाहिए हिप हॉप बंडल यार, माँ को जाके दे हिप हॉप बंडल। चाहिए तो बोल, हिप हॉप बंडल दूंगा तेरे तो। वो सीढ़ी कैसी, 1 लाख ग्लोरी का गिल्ड भी था, 22 लाख ग्लोरी है। चाहिए तो बोल। कितना बंदा का फर्क क्या है अभी तुम्हें? मैं किसी का फर्क नहीं क्यों, तो मेरा आईडी तुझे चाहिए तो जिसने हैक किया उसे दिलवा सकता हूँ वापस। बोल बोलना, चाहिए। देख रहे हो भाई, मतलब बंदा स्कैम करने के बाद भी उसका मतलब ठाट देख रहे हो, एटीट्यूड देख रहे हो भाई। तो भाई क्या ही बोलूं भाई, ये होता है मतलब पब्लिक, और ये होता है हमारी जनता,
ठीक है, जो ऐसे बंदों को सपोर्ट करता है और ऐसे बंदों जाके सब्सक्राइब करता है। तो हम तो यहाँ पे बैठे हैं, मतलब गांड टेके को, हमको बस हम मेहनत करते जाएंगे और तुम लोग बस वहाँ पे जाके सपोर्ट दिखाते रहो। बहुत ही बढ़िया, ऐसी बहुत ही बढ़िया बात है। और देखते जाओ, और भी हिपो बंडल मिलने वाला है, सबको हिपो बंडल मिलने वाला है। देखते जाओ, दस तुम्हारे आईडी पे एक नहीं, दस दस हिपो बंडल मिलेगा। और मैं वादा करता हूँ लास्ट तक देखो, पूरा का पूरा हिपो बंडल पर खानदान तुमको मिल जाएगा बेचो। ये देखो पूरा वीडियो देखो, और जिस आईडी का यहाँ पे स्कैम हो चुका है, जिस बंदे का आईडी यहाँ पे स्कैम उसका है, उसका भी थोड़ा यहाँ पे फोटो देख लो, उसका नजरिया थोड़ा देख लो उस आईडी का। ये है इस बंदे का आईडी जो स्कैम हो चुका है, इसका नाम है प्रतीक गेमिंग। बंदा मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत अपसेट हो चुका है। और मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, कर पाऊंगा भाई, बस तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ बस। और मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, बस ये वीडियो बना रहा हूँ, कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो ये बंदे ने और क्या मेरे को प्रूफ दिया है वो भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये और एक हमारे हम मेरे पास और एक है उसका मतलब वॉइस रिकॉर्ड, जो कॉल पे वो लोग बात कहते हैं, उसका भी थोड़ा सुन लो गाइस, पूरा सुनो पूरा सुनो, क्योंकि हिप्पो बंडल सबको मिलेगा ना यहाँ पे, तो पूरा सुन के ही जाओ। अरे भाई यार, मेरी बात ध्यान भाई, मैं सैमसंग सिस्टम का प्लेयर हूँ और 4 बिलियन मेरे उससे है, ठीक है देख लेना गेमिंग, ठीक है गेमिंग चैनल है मेरा, क्या हो गया? अरे भाई मेरे को पता है यार, वो बोल रहे थे कि वो तुम्हारा मतलब तुमने हैक किया है। वो ऐसे ही कर रहा है भाई, ऐसे ही कर रहा है वो, कोई पागलों में कैसे मेरे इतने सब्सक्राइबर है भाई, से ज्यादा सब्सक्राइबर है, ऐसा नहीं करूंगा भाई। लजन भाई जिसका 1 vs 1 आपके पास शॉट हुआ था, वही 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 ठीक है, वही प्रतीक, वो ऐसे ही अब वीडियो फेक डाल के ऐसा कुछ कर रहा है भाई, क्या करूंगा। अरे यार वो बोल रहे की हैक किया यार, मतलब वो सही मतलब माइंडली उदास है पूरा, समझते क्यों नहीं यार। अरे फिर पता नहीं उसका गिल्ड विल्ड सब चेंज हो गया यार, अरे सुनो सुनो सुनो, तुम हाँ तुम जब उससे मतलब खेले उसका, अरे यार क्या बोलना था, भूल गया। आईडी तुम रिकवर करा पाओगे? आईडी रिकवर करा पाऊंगा, ठीक है मैं करा दूंगा आईडी में, क्या आईडी हाँ रिकवर करा दूंगा भाई। उसने इसको क्या आईडी पासवर्ड दिया था, आपका दिमाग ठीक है क्या? अरे ठीक है जो भी हुआ छोड़ो, हम लोग छोड़ते हैं, मतलब उसका आईडी बस आप लोग रिकवर करा पाओगे? करा पाऊंगा भाई, देखो कुछ कर रहा है, बोला वीडियो रिमूव करे, सब चीजें रिमूव करे, नहीं तो मैं चैनल भी उड़ा दूंगा और बाद में मत बोलना, ठीक है। अरे हम लोग सब करा देंगे, सब करा देंगे, तुम बस उसका आईडी रिकवर कर दो। रिकवर करवा के देता हूँ मैं, मुझे उसकी डिटेल्स चाहिए होंगी सब, आप एक काम करो पहले वीडियो रिमूव करो, देन फिर मेरे पास आना, ठीक है। अरे भाई सुनो मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आप एक बार खाली उसका आईडी करवा दो, मैं गारंटी ले रहा हूँ अगर वीडियो रिमूव नहीं हो मैं आपको अपना आईडी पासवर्ड। अरे ना रिमूव हो तो मेरा कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है मैं भी उस पे चैनल पे भी स्ट्राइक दिलवा दूंगा, तो मेरा क्या जैसा वीडियो उसका खुद ब खुद हट जाएगा। अरे ठीक है, तो मैं कुछ मैं भी तो वही बता रहा हूँ ना कि बस आप एक बार उसका आईडी रिकवर करवा दो आप, ना उसका चैनल हटेगा उसके बाद हम देखेंगे, मतलब वीडियो हटेगा तब हम देखेंगे तब, ठीक है। अरे यार ठीक है, वीडियो बस आप लोग ठीक है, फालतू की काले मत करो यार, इतना टाइम थोड़ी हमारे को। अरे यार बस रिकवर तो कराने बोल रहा हूँ, कॉल दिया कॉल। हेलो ऋषभ, यहाँ पे सुन लिया ध्यान से भाई लोग, यहाँ पे बंदे आईडी स्कैम भी करेंगे, स्कैम करने के बाद ये बोलेंगे भाई वो मैं नहीं था भाई, मैं रिडीम कोड देता हूँ भाई, मैं हिप्पो बंडल और बाकी सब बंडल का रिडीम कोड देता हूँ, लेकिन भाई वो मैं नहीं था, मैं स्कैम नहीं किया था, मेरे नाम से और कोई किया है, मेरे जैसे ही और कोई बंदा किया है मेरे नाम से मेरा भाई, हम तो यहाँ पे क्या करने बैठे भाई, तुम्हारे नाम से यहाँ पे भाई यही सुनने के लिए मिलता है, तुम्हारा आईडी स्कैम हो जाएगा, उसके बाद वो बोलेंगे भाई मेरे आईडी मैं नहीं था भाई, वो दूसरे आईडी मेरे नाम से कोई स्कैम किया है। ये जो पिटा है ना, ये मैं नहीं हूं, ये मेरे जैसा दिखने वाला एक बंदा है, इसीलिए समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, बस यही है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे, और क्या बेचोर के काम हम पे। तो भाई हम तो और कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है, जो आईडी स्कैम हो गया वो हो गया, हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ लौटा भी नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ आप लोग को एक बात समझा देता हूँ, ठीक है, ये जो बंदे बोलते हैं ना जो आईडी यहाँ पे यूट्यूब पे सेल करते हैं, आईडी सेल करते हैं, वो करते हैं, लर्न करते हैं, भाई वहाँ पे मत गिरो यार, तुम्हारे पास आईडी चली आएगी, जो भी करो जो भी है तुम्हारे वो भी चला जाएगा भाई, वो भी चला जाएगा, तो यहाँ पे भरोसा मत करो। आईडी इतना तुमको शौक क्यों है भाई, वो तुमको पहले इतना मतलब
करवा देंगे तुमको इतना ही, मतलब क्या ही बोलूँ भाई, इतना तुमको चुतिया बना देंगे, तुम उसके ऊपर गिर जाओगे, उसके बातों में गिर जाओगे, मीठी मीठी बातों से, उसके बाद तुम्हारा आईडी स्कैम हो जाएगा और तुम्हारा पैसा भी स्कैम हो जाएगा। सिर्फ आईडी नहीं, तुम जो भी दोगे वो स्कैम हो जाएगा। तो भाई इस चीज़ों से दूर रहो। अगर तुमको आईडी लेना ही है तो एक काम करो भाई, हैंड टू हैंड कर लो भाई, हाँ मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को आईडी चाहिए, तो भाई काम करो, हैंड टू हैंड कर लो। अगर तुम्हारे पास एड्रेस के पास है तो भाई वहाँ पर जाकर कर लो, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो कर रहे हो ना, जो मतलब भरोसे के अंदर भाई इसको पैसा दे दे उसको आईडी दे दे तो हो जाएगा, भाई ये मत करो भाई। ये करने के बाद अगर कर रहे हो तो कर रहे हो, मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर इतना बोलने के बाद समझोगे नहीं, विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। तो देखो भाई, और मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं और कुछ करूँगा भी नहीं, क्योंकि अगर अभी जो भी करना है बस आप लोग को करना है, अगर जो भी समझना है वो आप लोग को समझना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे और कुछ बोलूँगा भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, अगर आप लोग बातें समझोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, तो ठीक है। तो मैं बोलता हूँ एवर्ड दोज यूट्यूबर्स जो आपको चूतिए बनाते हैं कि आप, आपको रिडीम कोड दे के बंडल दिलवाएंगे, आपको रिडीम कोड दे के लंड दिलवाएंगे, वो लंड भी उनके मुँह पर ही फेंक के टाल डालो, ठीक है। गुस्सा बहुत आ रहा है मेरे को, क्योंकि पब्लिक उन लोग को सपोर्ट करती है जो चूतिए बनाते हैं आप लोग को, जो आप लोग स्कैम करते हैं उसके बावजूद भी उसको सपोर्ट मिलता है, लेकिन हम यहाँ पे मेहनत करके भी कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जो है वो है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा गाइस, आप लोग प्लीज़ इससे दूर रहिए, आईडी स्कैम बहुत हो रहा है। बहुत बंदे मेरे को बोलते हैं कि काली भाई मेरा आईडी स्कैम हो गया, मेरा आईडी ये हो गया वो हो गया, लेकिन मैं भाई मैं आप लोग एक बार समझा देता हूँ, आपका आईडी स्कैम होने के बाद मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज मैं यहाँ मेरे पास कुछ पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस छोटा सा यूट्यूबर और कुछ भी नहीं, बस मैसेज दे सकता हूँ आप लोग को, आप लोग ऐसे गलती मत करिए, लिंक मत दबाइए, जो भी बोल रहा है तेरे को डायमंड दूंगा लिंक पे दबा दे, लिंक मत दबा, मतलब लिंक प्रेस मत करिएगा। और अगर बोलेगा कि तेरा आईडी दे दे मैं तेरे को टोपो दिलवाऊंगा, वहां पे मत दीजिएगा, किसी को भी आईडी मत दीजिएगा। और अगर बोलेगा कि तेरा कुछ भी दे दे वहां पे आईडी मत दीजिएगा, जो भी करे बस इतना दिमाग में फीड कर लेना, जो है तुम्हारे पास उससे खुश रहो, और अगर कुछ तुमको चूतिया बनाने कुछ कोशिश कर रहा है उससे दूर रहो। तो मैं इतना बोलना चाहूंगा, तो चलता हूँ गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं लाने वाला हूँ ये जो चूतिया वाले डीपीआई यूजर्स है, जो मतलब मोबाइल टेम्परिंग करके खेलते हैं, उनके अबाउट में एक वीडियो लाने वाला हूँ कि डीपीआई अच्छा है या नहीं और क्या है क्या नहीं, मैं आपको वो वाली बात भी क्लियर करना चाहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे गाइस, अगर हो सके तो ये वीडियो को शेयर कर देना, हो सके नहीं शेयर ही कर देना और लाइक दबा देना, क्योंकि अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे मुझे मोटिवेट नहीं मिलेगी, अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे बहुत लोगों की गांड मार, मतलब क्या बोलूँ, चूतिए काटते रहेंगे। तो मैं बोलना नहीं चाहूँगा, गाली मुँह से निकल गया, सॉरी फॉर देट। और मैं चलता हूँ गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है, तब तक पीस आउट।